बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम मौजूद हैं सैफ अल मुल्क झील पे और इसको हम एक्सप्लोर भी करते हैं, प्लस यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट है उसको वो भी देखते हैं कि जिनका स्पाइन का इशू है तो वो लोग तो थोड़ा सा अवॉइड ही करें, काफ़ी हाइट पे चढ़ दिए है तो वो आगे कई मसाइल खड़े कर सकते हैं, तो इन चीज़ों मदद नज़र तो आइएगा। तो चलिए आगे जाके देखते हैं, आइए। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे बोट्स वगैरह भी यहाँ पे हैं लेकिन इनके रेट्स कुछ ज़्यादा ही हैं, तो मज़ीद आगे ऊपर चलते हैं मार्केट की तरफ ही। आपको ये झील तो हमने दिखाई दी, इसमें हॉर्स राइडिंग का भी यहाँ पे है। चलें, झील तो हमने देख ही ली, अब आगे चलते हैं, फिर आगे आपको दिखा दें। आइए, दोस्तों ये सैफ अल मुल्क की एक छोटी सी मार्केट है जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ मैप वगैरह भी इस कितने का है? 150। ये सारी मैप है, ये गाइड बुक है, ये गाइड बुक है, ये मैप 100 रुपये के, ये भी मैप है। और ये सीनरीज, सीनरी 500 रुपये की है। ठीक है, शुक्रिया। सारा चीज किस तरह के यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे ढाबे भी बने हुए। क्या बेच रहे हैं भाई? अच्छा बिरयानी भी है, हैं कहाँ है? आगे। चलें, शुक्रिया। म
माँ सकल है ना जो माते ये जिप्स यूज़ होती है नीचे और ये ऊपर काफ़ी हाइट भी ले जाती है सैफल मलूक पे, इस किस्म की जिप्स आते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और ये आज के दिन तो कम से कम 4,500 इनका रेंट है, जिसमें आपको दोनों पिक एंड ड्रॉप है। इस किस्म की जिप्स आते हैं और यही गाड़ी नीचे से आपको ग्राउंड से उठा के लेके पले जाएगी। सामने से देखें जैसे कि ये हाल इन गाड़ियों को देखें। चलें आगे चलते हैं। अच्छा दोस्तों, हमारे साथ जमाली साहब मौजूद हैं, हमारे साथ ही ये ट्रैवल करके आए हैं, हम लोग एक ही कंपनी के थ्रू आए हैं यहाँ पे ट्रैवल के लिए। तो इनसे पूछते हैं, हमारे साथ ही हम लोग इसी गाड़ी पर आए हैं। देखें कि गाड़ी की कंडीशन आप देखें, यहाँ तीन लोग बैठेंगे, यहाँ एक बंदा बैठेगा और यहाँ पर एक बंदा बैठेगा, तो यहाँ पर बंदा कम्फर्ट होकर नहीं बैठ सकता है। जिसे स्पाइन का इशू है वो तो उस पर थोड़ा सा आने से पहले सोच ले कि मैं अगर सफ़र करूँगा तो मेरे साथ आगे जाके क्या होना है, क्योंकि एक घंटे जाने का एक घंटे आने का। तो जमाली साहब हमें इस बारे में बताएंगे उनके। अस्सलाम वालेकुम जमाली साहब। मेहरबानी, ये जो नेमत अल्लाह ताला ने हमें दिए है पाकिस्तान को सालों से, ये इतना काम कमा भी रहे हैं, मेरे ख्याल में बहुत कमा रहे हैं इन टूरिस्ट आदमियों से। लेकिन जो देखा जाए तो कोई फैसिलिटी कोई चीज़ यहाँ कोई नाम नहीं है, नहीं वो अपना जीप्स हैं वो कंफर्टेबल नहीं है, रास्ते हैं वो भी बहुत कठिन हैं। लेकिन कठिन भी होते हैं, लेकिन इससे भी हम कठिन रास्तों में गए हैं, वहाँ तो रोड पके थे। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ पर तवज्जा दे तो बहुत आगे हमारे मुल्क का भी नाम होगा, टूरिस्ट भी आएंगे, फॉरेनर भी आएंगे। मेरे ख्याल में पॉइंट ज़बरदस्त था अल्लाह ताला की। लेकिन रास्ता, आप उस रास्ते के बारे में बताएं, उसमें कैसे लगा आपको रास्ता? हम जैसे तो ये सफ़र नहीं कर सकते, लेकिन छोटे बच्चे भी नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पर जो वोमेन है ना वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत कठिन रास्ता है। कोई उसमें पत्थर हटाने वाला आदमी हमने नहीं देखा रास्ते में। हुकूमत के लिए कोई मैसेज? हुकूमत के लिए मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस बात को ख़ास करके एक रोड पर तवज्जा दें, और जो यहाँ गाड़ियाँ इस्तेमाल होती है उनको भी कंफर्टेबल बनाने की उनको हिदायत करें गाड़ी वालों को, और थोड़ा सा अपना टूरिस्ट के साथ भी नरमी से पेश आएँ तो बेहतर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमने इस पूरी झील का भी आपको रिव्यू कराया, इस मार्केट का भी आपको रिव्यू कराया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी और विषय, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।